Hello everyone. So now let us start how to calculate standard deviation in case of discrete series. So in this video, I'll be explaining you two methods of calculating standard deviation because मैंने आपको individual series में बताया था कि standard deviation हमेशा हम mean की help से निकालते हैं. इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बोला था कि वहां पर कोई आपको अलग से फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है या मेथड्स करने की जरूरत नहीं है, तो हमने सिंपली इसको डायरेक्ट मेथड या एक्चुअल मीन मेथड से कर लिया था. लेकिन कई बार ये ऑब्जर्व किया गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कई बार एग्जामिनर एज्यूम मीन मेथड से भी पूछ लेता है. अगर वो नहीं पूछता एज्यूम मीन मेथड से, तो आप एक्चुअल मीन मेथड या एज्यूम मीन मेथड कोई भी फॉलो कर सकते हैं. इसमें बेसिकली फिर स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी आप एज्यूम मीन मेथड ज्यादा ही यूज कीजिए क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल बन जाती है. तो अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है. तो देखिए, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है. दिस इज आर क्वेश्चन एंड वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ एक्चुअल मीन मेथड. तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें चार आइटम्स गिवन है, 5, 10, 15, 20 एंड फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है. तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, दैट इज 10. अब देखिए, हम एक्चुअल मीन मेथड यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए. तो मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? मीन का फॉर्मूला आपको बताइए सिंपल होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आप ये यूज कर सकते हैं. तो अब देखिए, सिग्मा एफ हमारे पास 10 है, ये रहा एफ और ये रहा एक्स, साइज इज एक्स. तो नेक्स्ट कॉलम हमारा किसका बनेगा? एफ एक्स का. तो एफ एक्स के लिए हमें एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करने का, तो 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 10, 15 × 4 = 60 एंड 20 × 3 = 60. ये हम क्यों करें? ताकि मीन निकाल सकें. तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे. तो ये हमारा आ जाएगा 140. तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज द मीन, 140 अपॉन 10. तो हमारा मीन जो है वो कितना आ गया, दैट इज 14. दिस इज 14. अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, कौन से मेथड से? एक्चुअल मीन मेथड से. स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने सिंबल बना दिया, तो इसका सिंपल वही फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन. प्लीज मेक श्योर ये स्मॉल एक्स ही होता है, एफ एक्स स्क्वायर, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी मैंने आपको निकलवाया था. और स्मॉल एक्स निकलता कैसे है, एक्स माइनस एक्स बार. तो ये रहा एक्स, ये रहा एक्स बार मीन. तो 5 − 14 − 9, 10 − 14 − 4, 15 − 14 1, 20 − 14 = 6, क्योंकि हम x माइनस एक्स बार कर रहे हैं. हमें चाहिए स्क्वायर, तो हम स्मॉल x स्क्वायर निकालेंगे, स्मॉल x है और हम इसमें कैपिटल x माइनस मीन कर रहे हैं. तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36. अब हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा एफ, तो हमें एफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 × 81 = 162, 1 × 16 = 16, 4 × 1 = 4, 3 × 36 दिस विल बी 108. तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स स्क्वायर की. इसका टोटल कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको सबको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 290. तो कैसे आएगा, 290 अपॉन एन, तो एन कितना है, 10. तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 29 आएगा, तो जिसकी वैल्यू होती है 5.38. आपने ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और आपने सीखा भी हो, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गया. अभी आप देखिए, अभी हमने ये चीजें की, लेकिन आगे ना, आगे जब आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के बाद एक वीडियो देखेंगे जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का टॉपिक आता है, वहां पर मैंने इंडिविजुअली आपको उसी का क्वेश्चन करवाया हुआ है, बट वो क्वेश्चन ही निकलता है.
जैसे कई बार हम कहते हैं कि कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है और व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है? इसका मीनिंग तो मैं आपको वहां समझाऊंगा, बट इसका फॉर्मूला वो लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये सिर्फ मैंने आपको यहां पर इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने निकाला, मीन भी आपने निकाला इनटू 100, सिर्फ आपको इनटू 100 करना है। तो ये आप इस तरीके से निकालेंगे, बट कोफिशियंट का रियल मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको उस वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, बट कोफिशियंट और वेरिएशन निकालते हैं हम इसी तरीके से हैं। दिस इज आर फॉर्मूला। अब यहां पर आप चेक कीजिए, अगर आप कोफिशियंट और वेरिएशन का फॉर्मूला आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, चाहे आप मेथड कोई भी यूज करो, मेथड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मैं आपको यहीं पर इसकी वैल्यू बताना चाहूं तो इट इज विल बी 5.38 अपॉन 14 इंटू 100। ये आगे आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा, तो बस मैंने आपको आपको हिंट दिया है कि ये कैसे करते हैं, तो आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज में आता है क्योंकि इंटू 100 किया है हमने, तो जैसे हमारे केस में ये आंसर आ रहा है 38.42%। ये मैं आपको मीनिंग वहां बताऊंगा, बट फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि वहां पे भी मैंने एक वीडियो में आपको यही बोला है कि जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो इसलिए सिर्फ मैंने इसको इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप सीवी भी बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा एक्चुअल मीन मेथड से। अब हम किससे निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट द सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड, लेकिन कुछ भी कही है आंसर दोनों से ही आपका सेम आएगा। सो लेट अस डू। अब एज्यूम मीन मेथड में एक प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा, तो लेट अस स्टार्ट विद एज्यूम मीन मेथड। देखिए एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने दोबारा वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहां उतार दिया। इसमें एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, जब मैं उसको बोल ही रहा हूं एज्यूम्ड, एज्यूम का मतलब ये है कि हमने मीन को एज्यूम किया है, तो हम उस एज्यूम मीन के केस में ही हम क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें जब भी आप एज्यूम मीन मेथड यूज करते हो आपको मीन की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हम सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके होते हैं तो इसलिए फिर वो सिंपल बन जाता है। मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मीन की एज्यूम मीन में हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे मीन कैलकुलेट करने के लिए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये यूज करते थे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, जब हम इस मेथड से निकालते हैं तो इसके अंदर जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट आएगा प्लीज रिमेम्बर स्क्वायर रूट आएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब यहां देखिए एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, देखने में लग रहा है आपको ये फॉर्मूला, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन इससे करेंगे तो आपको ये सिंपल लगेगा। सेम सिग्मा एफ हमारा 10 ही है या एन 10 कह लीजिए आप। अब साइज निकाल रहे हैं, अब एज्यूम मीन में हम क्या करते हैं, जो डिस्क्रीट सीरीज होती है इसमें से कोई एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू। लेट से मैंने अपने केस में जनरली मिडल वैल्यू करते हैं, मैंने अपने केस में 10 को एज्यूम मीन मान लिया, ए मान लिया। और आपको पता ही है जब भी ये डी का कॉन्सेप्ट आता है, ये डी डी ऑलवेज डिनोट कि हम एज्यूम मीन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आपने ये मीन, जब मैंने आपको मीन करवाया था वहां पर एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट बताया था, तो डी इज ऑलवेज फॉर एज्यूम मीन। तो कैसे आएगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये स्मॉल एक्स नहीं है प्लीज रिमेम्बर, हम स्मॉल एक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम डी का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। डी का मतलब क्या होता है, ये जो एक्स माइनस ए मतलब जो हमने एज्यूम किया है, तो 5 माइनस 10 -5, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 10 10। अब क्या चाहिए हमें, एफ डी चाहिए। तो पहले आप या आप ऐसा कर लीजिए d² देखो यहाँ पर क्या क्या फर्क है, ये है एफ डी स्क्वायर, तो पहले डी स्क्वायर निकालो, उसको एफ से मल्टीप्लाई करो, ये क्या है एफ डी को मल्टीप्लाई करो फिर उसका स्क्वायर करो। तो लेट्स से पहले मैं डी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा इसका स्क्वायर कर दिया 25 0 25 100, ठीक है 100।
So after calculating d square, now we have to calculate first of all fd and fd square. तो कैसे निकलेगा देखिए, पहले एफ डी है तो ये रहा एफ ये रहा डी, तो 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 10 30, तो ये एफ डी आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम हमने क्या बनाया, एफ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इंटू एफ, तो 2 इंटू 25 50, 1 इंटू 0 तो 0, 4 इंटू 25 100, 3 into 100 300। तब इसका टोटल कर दीजिए, सिग्मा एफ डी कितना आएगा, 50 माइनस 10 तो 40, सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आएगा, इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 450। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ, अब हमने मीन नहीं निकाला इसके अंदर क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन किसकी हेल्प से कर ली, एज्यूम मीन की हेल्प से कर ली। बट जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले मेथड में बताया था, हमें कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा, तो उसके लिए फिर आपको मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो सिंपल ही है, अगर आप मीन भी निकाल लेंगे तो कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 10 प्लस सिग्मा एफ डी इज हाउ मच, 40 अपॉन 10, तो जीरो से जीरो कट गया, तो 10 प्लस 4 कितना आ गया, 14। तो चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, मीन और वैसे आंसर तो सारे क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम आएगा। लेट अस डिस्कस विद दिस मेथड, स्क्वायर रूट, ठीक है थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको ताकि आपको विजिबल हो, एफ डी स्क्वायर इज हाउ मच, 450 डिवाइड बाय 10 माइनस, इसमें है 40 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, देखिए एफ डी फिर ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर, तो एफ डी इज 40, 40 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, 45 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, तो रूट 29 वही आपका वहां आ रहा था, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, 5.38। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चाहे आप एक्चुअल मीन मेथड से निकालिए, चाहे आप एज्यूम मीन मेथड से निकालिए, जो सा मेथड आपको इजी लगता है, आंसर आपका सेम ही आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की जरूरत पड़ेगी। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में बताऊंगा दोनों मेथड्स, और इस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर लिखिएगा। आई विल चेक वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।